और धनबाद के प्रभारी एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया और औचक निरीक्षण में कई अनियमितताएं सामने आई। आपको बता दें कि धनबाद के प्रभारी एडीएम है विधि व्यवस्था नंदकिशोर गुप्ता, जिन्होंने एसएनएमएमसीएच का औचक निरीक्षण किया और अधीक्षक को फटकार लगाई। अस्पताल परिसर में गंदगी दिखी, पंखे भी बंद थे और बाकी कमियों को देखकर अधीक्षक को फटकार लगाई और व्यवस्था में जल्द सुधार का निर्देश दिया। अधीक्षक ने भी अस्पताल परिसर में एक से अधिक परिजनों के प्रवेश, असामाजिक तत्वों के आने जाने और अवैध एंट्री के रास्तों को बंद करने की मांग जिला प्रशासन से की, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए एडीएम ने बताया कि कमियों को नोट कर लिया गया है और अस्पताल प्रबंधन को सुधार के लिए निर्देश दिए गए हैं। और जिन अधिकारियों ने उन्होंने बताया कि बिजली विभाग के जो मेंटेनेंस करते हैं उन्होंने फोन नहीं उठाए, वरीय अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया जाएगा और उन्हें शॉकआउट किया जाएगा। नहीं, ये तो इसको दुरुस्त कराएंगे। साफ सफाई की व्यवस्था है तो उसको देखने की जवाबदेही अधीक्षक की है, इनको भी निर्देश दिया जाएगा कि इस पर पूरा ध्यान दे, साफ सफाई की व्यवस्था मुकम्मल करे और जो भी इसमें कमियां आ रही है, संसाधन आ रहा है, वो हम लोग के संज्ञान में लाए ताकि हम लोग उनको दूर कर सके। हमारा तो यही उद्देश्य है कि जो लोग हैं हमारे ज़िले के लोग हैं जो आते हैं यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, गरीब तबके के लोग आते हैं, जो धनी वर्ग हैं वो तो हमेशा जाते हैं इस प्राइवेट नर्सिंग होम्स वगैरह में जाते हैं, लेकिन जो गरीब हैं मध्यम वर्गीय लोग यहाँ आते हैं तो उनको भी फैसिलिटी मिले, इसकी पूरी व्यवस्था हम लोग दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। आज मैंने निरीक्षण किया है, जो कमियाँ हैं अधीक्षक से भी पूछ करके इसको देख करके इसको जो दुरुस्त करने के लिए जो भी मैकेनिज्म होगा हम लोग उठाएंगे। जब ज़्यादा मरीज रहेंगे, मरीज के ज़्यादा परिजन रहेंगे, मिलने वाले रहेंगे तो गंदा तो करेंगे ही। अगर हमारे कर्मचारी अगर साफ नहीं करते हैं तब गलत है। आप देखते हैं गंदा होता है लेकिन हमारे कर्मचारी लगातार सब साफ करते हैं। अभी भी आप लोग जब अभी भ्रमण पर थे, ग्राउंड पर थे, तो आपने देखा होगा कि कहीं वेट स्वीपिंग कर रहा है, कहीं झाड़ू लगा रहा है, लगातार काम कर रहा है। हमारे कर्मी लगातार काम करते रहते हैं। जहाँ रोगी रहेंगे, रोगी के परिजन रहेंगे तो वहाँ गंदा तो होगा। बात है कि तुरंत सफाई करना चाहिए जो हमारे कर्मी करते हैं।